हैप्पी विद फूड। बरेली में और ये बरेली का बटला प्लाजा के सामने एक पड़ता है, भाई साहब लगाते हैं स्टॉल। ये बहुत पुराने हैं, जब हम बरेली कॉलेज में यहाँ पढ़ा करते थे तो भाई साहब यहाँ पे छोले बेचते थे उस समय। बहुत पुरानी बात हो गई। कितने साल पुरानी बात होगी भाई साहब, कब से बेच रहे हैं? करीब करीब 50 साल हो गए। 50 साल हो गए तो 50 साल से भाई साहब यहाँ पे छोले लगाते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने पूरा सेटअप लगा लिया भाई साहब ने। पूरा आपने ये सेटअप बनाया हुआ है, ये ई रिक्शा पे सेटअप बनाया हुआ है। और आपने अब छोले के अलावा और बहुत कुछ कर दिया है? बहुत कुछ कर लिया है। दाल बेचने लगे हैं आप और छोले कुलचे? छोले कुलचे हैं। तो क्या क्या बेचते हैं आप? छोले कुलचे बेचते हैं, मूंग की दाल मुरादाबादी है। अच्छा। और मटर की चाट चटपटी है, चाट है मतलब चटपटी जो आपने पहले कभी खाई स्कूल के समय पे। तो आप बड़े हाइजेनिक तरीके से, मैं देखा बड़ी साफ सुथरा आपने। सफाई बिल्कुल ऐसी रखता हूँ, मस्त हर चीज़ ऐसी रखता हूँ, कटाई खराब नहीं हो सकती है। अच्छा, कटाई में पानी डालता हूँ। स्पेशल है आपकी? हाँ, कटाई में पानी डालता हूँ। चटनी खट्टी है, चटनी मीठी है। तो भाई साहब ये तैयार कर रहे हैं आप, ये क्या तैयार हो रहा है? मूंग की दाल मुरादाबादी है। अच्छा, मूंग की दाल मुरादाबादी में बनती है। अच्छा, जो मुरादाबाद में दाल मिलती है वो नाम होता है उसमें, और उसमें मैंने अभी सिस्टम अंतर उनका, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाता ना। वो थाल में है। अच्छा, वो थाल में ये बहुत कई घंटे लगते हैं उनको, कहते हैं फूटने में। वो फेंकते रहते हैं आग जलती है, पपड़ी छुटाते हैं, जैसे बोलते हैं पपड़ी डालना, वो अलग सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम अलग है। अच्छा, यहाँ तो ये फेमस दाल हो गई मुरादाबाद। तो आपको दाल बनाने में कितने घंटे लगते हैं? ज़्यादा नहीं, मतलब आपकी दाल आप चढ़ा देते हैं ये पे? घर से बनकर आती है। कितने उसमें कितने घंटे लगते हैं? वो तो कुकर से बनती है। कुकर से बनती है, कुकर के बना के फिर आप तब यहाँ पर आ जाते हैं। नमक भी नहीं होता है, सारे मसाले मक्खन अमूल का बटर लगाते हैं, सारे मक्खन वगैरह चटनी वगैरह आया, सब हाथ को कुटे हुए मसाले हैं, भुने हुए हैं। आपके बाजार के नहीं लाया, कभी कोई आइटम लगाया? अच्छा अच्छा, सिर्फ बाजार का नमक होता है वाइट मतलब। यहाँ पे समथिंग 4 साल से। 4 साल भाई साहब, ये तो 40 साल से बेचे हैं यहाँ पे। तो लगता है इस बारे में तो पता है नहीं हमें। कैसी लगती दाल आपको? दाल वेस्ट है इसीलिए आते हैं यहाँ पर। और जगह भी दाल बिकती है बरेली में, वहाँ पे यहाँ के अलावा आपने डाला अमूल का? अमूल का बटर ही लगाते हैं। अच्छा, अमूल के लगाते हैं? अमूल का ही लगाते हैं। ये सिविलान एरिया है, अधिकारी अफसर वगैरह आते हैं। अच्छा, तो आपने आप एड्रेस बता दो कहाँ पर है ये? कौन सा ये एड्रेस बता दो, कहाँ लगा? बटला प्लाजा चौकी चौरा, बटलर के सामने चौकी चौरा, बटलर के गेट के पहले वाले गेट के ठीक सामने। आप सामने, ठीक सामने, बटलर के सामने चौकी चौरा, बटलर के सामने। तो भाई हमारे लिए ये छोले कुलचे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जो पंजाब वगैरह में बिकते हैं छोले कुलचे, वो डिप करके उसमें डिप कराता है छोलों में? फिर मैंने वहाँ का तो नहीं देखा, दिल्ली का देखा है। दिल्ली में भी डिप करके बनाते हैं? दिल्ली में तो मटर के साथ में देते हैं, मटर के साथ डिप करते हैं। यहाँ छोले अलग होते हैं, ग्रेवी वाले छोले अलग देते हैं, और ग्रेवी वाले होते हैं वो मटर में, मटर से देते हैं। कभी दिल्ली जाता हूँ तो वो वहाँ पे देखते हैं। हाँ, मटर में देते हैं, शाही वगैरह पे भी लगाते हैं। हाँ, दिल्ली पंजाब में जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे डिप करके देते हैं, शाही में भी लगाते हैं। तो बोल रहे हो अलग अलग तरीका मटर में देते हैं? हाँ, सब जगह अलग अलग तरीका हर चीज़ का। अब जैसे मुरादाबाद में दाल थाल में होती है, सिल्वर के थाल में या किसी में होती है, स्टील के पीतल के मरहिया भगोने में होती है, फर्क अलग है। ये नाम मुरादाबादी रहता है।
तो भाई साहब देखो पूरी तरह इसको सेक रहे हैं। ये देखिए भाई साहब छोले गर्म हो रहे हैं, छोले पहले ही आप तैयार करके रखते हैं? तैयार करके मत बटर वगैरह सब डाल के तैयार करते हैं, खाना नहीं होता ना कभी कभी। अच्छा हाँ, तो सब रेडी मत करेगा बटर मसाले टमाटर वगैरह क्या नहीं होता, क्या लहसुन क्या लहसुन अलग से डालते हैं, कोई ऐसा नहीं खाने वाले होते अस्सी हो तो फिर उन्हें बरतानी होती दिक्कत होती, तो चक्कर में वो हम लाइट में डालते हैं बाद में। तो भाई साहब हमारे लिए छोले कुलचे आ चुके हैं और टूटे देना पैसे, बहुत सही तरीके से इन्होंने छोले कुलचे दिया, टेस्ट करके बताते हैं आप लोग कैसा है। तो भाई साहब ये छोले कुलचे हैं और इनको टेस्ट करके बताते हैं आप लोग कैसे हैं। जैसे बरेली में छोले कुलचे बेचते हैं और जो छोलों का स्वाद है बिल्कुल मत तीखापन, हल्का सा तीखापन है और बटर में फ्राई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। ठीक, और जब भी आप अगर बरेली में आएँ और बटला प्लाजा की तरफ आप गुजरें तो भाई साहब के पास एक बार ज़रूर आएँ, टेस्ट कर दें, ये रिकमेंडेशन है मेरी इस चैनल पर। तो आप देखते रहिएगा भक्ति विद फूड, ऐसे ही हम आपको चैनल में वीडियो लाते रहेंगे और आपको बरेली के जायके देते रहेंगे, आप देखते रहिएगा भक्ति विद फूड मेरे साथ। भक्ति विद फूड।